चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। घर के बाहर शोरगुल करने से मना करने पर दिव्यांग व्यक्ति की हत्या करने वाले युवक की हुई गिरफ्तारी। नाला सुपारा के मोरे गांव की है घटना, जहां आंखों से अंधे व्यक्ति की हुई थी हत्या। नाला सुपारा के मोरे गांव में रहने वाले दिनेश हाटे, जो कि आंखों से अंधे थे, कि 28 जुलाई को दो लोगों द्वारा जब हत्या कर दी गई थी, जब वह दोनों व्यक्ति 28 जुलाई की रात 11:30 बजे के आसपास से हाटे के घर के बाहर काफी शोर और मचाते हुए धमाल मचा रहे थे, तब मृतक द्वारा ऐसा नहीं करने को कहा गया। बताया जाता है कि मृतक की यह बात दोनों आरोपियों, जिनका नाम उमेश जोशी 26 वर्ष एवं प्रदीप पानकर 29 वर्ष है, को इतनी चुप गई कि दोनों मिलकर हाटे को उनकी पत्नी अनीता हाटे के साथ लात घूसों से मारना शुरू कर दिया। आरोपियों द्वारा की गई मारपीट के चलते मृतक की जान चली गई, जिसकी शिकायत ललिता सुलपत बहार ने तुलिंज पुलिस थाने में दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मुखबिरी सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। आगे की कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें। एक भी अच्छा नहीं है भाई, भले वो स्नेचिंग हो, भरपोड़ी हो, मोटरसाइकिल थेफ्ट हो, या तो जैसा कि बोलते हैं कि मर्डर का आरोपी हो, या तो फिर पुराने जो आरोपी है ना, खुंखार आरोपी रोहित बिल्डर जो कल पकड़ा गया, वैसा भी रहेगा ना कोई। ये टीम का एक काम है और इसलिए पुलिसन का ये काम भी हो रहा है और नाम भी हो रहा है। क्या मामला है सर? 28 तारीख की रात को दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक दिव्यांग जन के ऊपर हमला करके उनको जख्मी किया था। उनकी फैमिली ने उनको मुंबई में एडमिट किया था उपचार के लिए, उसी दौरान उनकी डेथ हो चुकी थी और उसके हिसाब से हमने हत्या का मामला दर्ज किया था। इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, हमको आरोपी के बारे में तब कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन हमारे डिटेक्शन की टीम ने मेहनत करके उनके नाम निष्पन्न कर दिए। कल दो आरोपी को हमने इस मामले में अरेस्ट कर दिया। वही वो अपराधी है जिन्होंने उनको उनके साथ मारपीट की थी और उसके चलते हुए उनकी डेथ हो चुकी थी, और इस तरह से हमने कल उनको अरेस्ट किया है। आज वो हमारे कस्टडी में है और हमने एक दिव्यांग के हत्या का जो मर्डर का केस था वो हमने सॉल्व कर दिया है। सर, हत्या करने का कारण क्या था? ऐसा है कि ये अभियुक्त जो है, अपराधी जो है, उसी एरिया में रहने वाले है और इनको दारू पीने की लत थी। 28 तारीख की रात को ये वहां पे बैठ के शोर मचा रहे थे, वो दिव्यांगजन और उनकी पत्नी को तकलीफ हो रही थी, उन्होंने बोल दिया कि भाई यहां से निकल जाओ, उसी का गुस्सा इनको आ गया, उसी के चलते हुए उन्होंने अटैक कर दिया और उनको मारा, उनको जख्म हो गया, उसी के चलते हुए 2-4 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई और इसी के कारण हमने हत्या का मामला दर्ज कर दिया था और ये जो मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री हमने सॉल्व कर दी। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? दोनों में से एक अपराधी उधर ही छोटे मोटे चाल बनाने का काम करता है और दूसरा जो है वो पेंटिंग वगैरह ऐसे छोटे मोटे काम करता है। दोनों भी उधर ही मोरेगांव के रहने वाले हैं।